मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1 जून से 26 अगस्त तक सामान्य से 14% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे साफ है कि इस साल बारिश ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक 1 जून से अब तक 840.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर यह आंकड़ा 734.7 मिमी रहता है। बीते 33 घंटों में रतलाम में सबसे ज्यादा 91 मिमी बारिश हुई, जबकि धार में 54.3 मिमी, उज्जैन में 43.6 मिमी और इंदौर में 25.9 मिमी पानी गिरा है। बारिश का यह सिलसिला लगातार जारी है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हालांकि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेशवासियों को अगले 3 दिनों तक बारिश से कुछ राहत मिलने की संभावना है। इसके बाद 29 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिससे 30 अगस्त से प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, भोपाल और ग्वालियर संभाग के जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के अनुसार 28 अगस्त को उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभाग में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम में बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछार हो सकती है। 29 अगस्त को छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के बड़वानी, अलीराजपुर और धार जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, भोपाल और खरगोन सहित 40 जिलों में भी भारी से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहा। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के इन प्रभावित जिलों में हैं, तो सावधान रहें और मौसम के इस बिगड़ते मिजाज से खुद को सुरक्षित रखें। आने वाले दिनों में भी बारिश के इस सिलसिले से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है, इसलिए सतर्क रहें और प्रशासन की सलाह का पालन करें। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।